हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह को बज रहे हैं 6:30 और यहाँ मैंने बन रख दी है चाय। ब्रश किया है, बस मुंह नहीं धोया है इसलिए ऐसा मुंह लग रहा है। तो मैंने भी ब्रश किया है, बस मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। ये मेरी चाय बन रही है। तो यहाँ पर अभी बेटू की छुट्टी है तो बेटू सो रहे हैं और हम दोनों पियेंगे चाय। इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है बस शिमला हो रहा है। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और है ना, वैसे दोपहर में तो धूप वगैरह निकल जाती है ना तो इतनी सर्दी सी नहीं लगती है, लेकिन सुबह सुबह में तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है क्योंकि गर्म गर्म बिस्तर में से निकलो ना तो बहुत ठंडी लगती है। तो मुझे यहाँ इतनी सर्दी लग रही थी, साल वाल उड़ के टुकरिया बन के बैठी हुई थी मैं। तो बस हम दोनों यहाँ पर चाय पियेंगे, हस्बैंड और दोनों। हम तो हस्बैंड कह रहे थे कैसे को कैमरा, जैसे मैं नहीं आऊँ तो उनको शर्म आती है, वो नहीं आते हैं कैमरे के सामने, बहुत ही कम बाई चांस ही ज़्यादातर नहीं आते हैं। मना ही करते हैं कि नहीं मुझे नहीं लो कैमरे में, ऐसा बोलते हैं। तो देखो पीछे कमरे में आपको दिख रही है ना, लाइट बंद है रूम की, तो अंदर बेटू सो रहे थे। तो बस अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं, नहा धोकर बना रही थी मैं मटर पुलाव। ओ मेरा ना मतलब बर्तन वगैरह भी कुछ भी नहीं मांजे थे, बस मैंने चाय और नाश्ता किया था और हस्बैंड है ना चले गए थे अपनी शॉप पर नाश्ता वास्ता करके। तो अब मैं खाना बना रही हूँ तो मैंने सोचा ला नहा लेती हूँ, नहा के बनाऊँगी खाना वाना। तो बस मैंने गर्म पानी किया और नहा लिया और फिर मैं अपने मटर आलू वगैरह जी छील रही थी क्योंकि है ना आज बना रही थी मैं मटर पुलाव। ओ तो यहाँ पर बेटू उठ गए थे, बेटू कह रहे थे मुझे तो आज नाश्ते में मैगी बनाना। तो बेटू बिल्कुल सादा सिंपल मैगी खाता है, उसमें बिल्कुल प्याज भी नहीं, प्याज व्याज नहीं डलवाता है, बस पानी में मैगी डाल दो कहता है, ए वही खाऊंगा। तो मैंने पानी में मैगी डाल दी थी और थोड़ी सी हल्की सी हल्दी और नमक डाल दिया, तो बस वही खाएगा बिटू। वो तो बैठा हुआ था, आज उसकी स्कूल की छुट्टी है क्योंकि पेपर कल था, तो आज उसकी छुट्टी है। एक दिन छोड़कर छुट्टी होती है फिर पेपर होते हैं, तो इस वजह से बैठा हुआ है तो वो सही से खा नहीं पा रहा था। मैंने कहा लाओ मैं खिला देती हूँ, उन थोड़े से मैंने भी उसको खिला दी थी। ये क्योंकि मैगी होती है ना तो बच्चों से नहीं खिल पाती है क्योंकि फैलती है, मैगी लटकती है तो फैल भी जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, जो भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। तो बस यहाँ पर बेटू उठ गया है और मैं कमरे में आ गई हूँ अपने बिस्तर वगैरह उठाने। तो ये देखिए रजाई ऐसी जाती है गुड़ी मुड़ी अंदर से, ए तो मेरी ये शादी की रजाई है, बस मैंने खोल चढ़ा लिया है इसमें, वरना शादी मिलती है ना लड़कियों को रेड रेड वाली, तो बस वही है मेरी रेड रेड वाली शादी की रजाई है ये। मैंने खोल चढ़ा लिया कि गंदी ना हो, इस वजह से सही रहता है, गर्म खोल चढ़ा देने से और अच्छी गर्माती है ये। तो इस वजह से मैंने इसमें ये चढ़ा लिया ना तो वो अंदर ऐसी हो जाती है लड़ुआ सी, अंदर घुस जाती है और है ना खोली खोली अलग रह जाती है, रजाई अलग हो जाती है। ए तो थोड़ी मुझे संभल संभल कर उसको है ना अच्छे से कर देती हूँ, फिर घड़ी करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ मेरे बिस्तर वगैरह उठ गए हैं, हस्बैंड शॉप पर चले ही गए हैं और बेटू का नाश्ता हो ही रहा है मैगी का, और मैं अपने बस करने वाली हूँ किचन में जाकर मटर पुलाव की तैयारी। तो मैंने अपनी मटर भी कट कर ली है और बस आलू देख कर मुझे, यहाँ आलू रखे हुए थे 5-6 तो सोचा लाओ आलू भी काट लेती हूँ तो अच्छे से आलू की मटर की तैयारी बन जाएगी। ये तो मैं यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह जितने भी फैले पड़े हुए थे ना उनको अंदर कर दूँगी, रख दूँगी मतलब बाहर कर दूँगी वही किचन में से। और इतने सारे टमाटर देखिए, मेरे हस्बैंड के दोस्त रहते हैं, मेरी फ्रेंड है उनके, तो वो लेके आए होंगे बहुत सारे, तो उन्होंने एक पन्नी में हमें भी दे दी थी कि लो तुम भी खा लेना मटर, वो डाल देना उसमें चटनी वटनी बनाकर खा लेना। तो बस इस वजह से उन्होंने टमाटर दिए तो मैंने डलिया में करके रख दिए थे। और यहाँ पर मैं अपने आलूओं को छील रही हूँ, कट कर रही हूँ क्योंकि आलू की और मटर की इनकी तायरी बनाऊंगी मैं, सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है मटर आलू की तायरी। अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को पसंद है और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। कल मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं गई थी बर्थडे में और मैं बर्थडे का व्लॉग भी जल्द से जल्द शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मेरी जेठानी की लड़की का बर्थडे था तो मैं वहां गई थी, इस वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई लेकिन आज कर दी हूँ। तो वीडियो को आप लोग फुल देखिएगा।